हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से खेलेंगे GTA 5 ऑनलाइन। सो गाइस, पिछले वाले वीडियो में तो हमने फुल टाइम पास किया था, तो आज के इस वीडियो में हम अपने आर्केड का मिशन करेंगे। वहाँ पर जाके देखते हैं कि कौन सा काम बाकी है, तो उस हिसाब से हमें चूज़ करना है। तो फिलहाल तो ये लैम्बोर्गिनी लेकर जाते हैं, और मेरे पास $1.4 मिलियन थे, तो मैं गरीब हो चुका हूँ। मेरे पास अब $1,00,000 ही है, क्योंकि मैंने ये गैराज ख़रीदा था $19,000 का, और $1.2 मिलियन का ये आर्केड ख़रीदा था। फ़िलहाल तो मैं ये अपनी लैम्बोर्गिनी यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, और फिर आर्केड दिखाता हूँ आपको। मैंने पहले इसके बहुत सारे मिशंस कर रखे हैं, इसके रेस्टोरेशन के और वो सब, लेकिन अभी कैसीनो हाइस्ट प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ मिशन करने बाकी है। तो फ़िलहाल तो हम अंदर चलते हैं आर्केड के। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। फिलहाल तो इधर एक बार दिया हुआ है, मतलब हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पर कुछ गेम्स भी है ताकि कस्टमर एंजॉय कर सके। और यहाँ पर ये कौन है, ये जिमी है। ओके, इसको कुछ काम धंधा ही नहीं है, गेम खेलने आता रहता है। यहाँ पर बड़ा सा एक टीवी लगाया हुआ है, सोफ़ा है। ओके, तो फिलहाल हम अपने ऑफिस में चलते हैं, मैनेजर्स ऑफिस। यहाँ पर एक और रूम है, कौन सा है देखा नहीं है, ये राइट में वो, ये बाथरूम है, बाथरूम की डिज़ाइन अच्छी है। ओके, तो ये हमारा ऑफिस है, अच्छा है। सो गाइस, अगर आपने ये सोचा होगा कि ये जो इतनी गंदी डॉलर वो सब है तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ये आपको अभी पता चल जाएगा ये क्या है एक्चुअली। एक सेकेंड। ओके, खोल देते हैं। ओके, तो नीचे यहाँ पर एक बेसमेंट है जो कि बहुत ही बड़ा है, एक गोडाउन जैसा है ये बेसमेंट, बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर हम अपने कैसीनो हाइस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक डॉलर का साइन आ रहा है, देखते हैं इसमें क्या है। लॉकर है, ओके, एक खोल के देखते हैं, कुछ पैसे वैसे हो तो अच्छा। अरे खुल। ओके, ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हमें $4,380 मिले, और मेरे पास अभी कैश में $13,500 हैं। ओके, और $1,00,000 तो है ही, तो फिलहाल इसे हम लोग अपने फ़ोन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कैश हमें नहीं रखना है। मैं फ़ोन पे क्यों जा रहा हूँ, वो तो इंटरनेट में होता है। अरे मनी एंड सर्विसेज, maizebank.com, मेन मेनू, मेन्यू, डिपॉजिट, ये रहा 13,529। यस हाँ, ओके, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। फ़िलहाल हम अपने बेसमेंट में चलते हैं। ओके, ओके, तो अगर कोई हमारे जो अर्निंग होगी वो इस लॉकर में आ जाएगा, और हमें फिर यहाँ से वो पैसे उठा लेने हैं। अच्छी बात है, $4,000 एक ही दिन में, वाह। यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स हैं जो कि डायमंड कैसीनो हाइस्ट में हमारी मदद करेंगे। और यहाँ पर ये गाड़ी है जो हम एज अ गेट अवे व्हीकल यूज़ करेंगे कैसीनो हाइस्ट के बाद। ये एक रेसिंग कार है, इसे मैंने चुराया था। ये गाड़ी वैसे फास्ट तो बहुत है, लेकिन इस एक ये कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस गाड़ी में, अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं इस गाड़ी के। पता नहीं लेस्टर ने हमें ये गाड़ी क्यों रिकमेंड की, इसके लिए तो मेरी बुलेट प्रूफ कार ही चलेगी। फ़िलहाल तो हम अपने प्लानिंग रूम के साइड चलते हैं, वहाँ पर ये रहा, ये रहे दो मार्किंग बोर्ड। तो चूज़ करते हैं रजिस्टरेंस VIP। ओके, तो हमें पहले VIP रजिस्टर करना पड़ेगा, तो सिक्योरो सर्वो सर्व। ओके, रजिस्टर है CEO। ओके, तो मैं फ्लैश अलायंस का CEO बन चुका हूँ, और हम अब
मिशन कर पाएंगे। ये मैप में तो वो वाले बोर्ड का दिखा रहा है, देखते इसमें क्या है। ओके, तो यहाँ पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ओ, हम अप्रोच इसमें और चेंज कर सकते हैं, मुझे साइलेंट वाली करनी है। लेकिन साइलेंट में हम अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो कोई बात नहीं, हम अपना ये जो प्रिपरेशन है वही करते हैं फिलहाल। तो आज हम ये राइफल लोड आउट करें या फिर ये हैकिंग डिवाइस वाला करें, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। हैकिंग डिवाइस वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, वही करते हैं, हैकिंग डिवाइस वाला कर लेते हैं। ओके, तो मैं बाहर आ चुका हूँ और ये कमेंट्री देना शुरू कर दिया है इस लेस्टर ने। इसकी आवाज़ बहुत इरिटेटिंग लगती है वो, लेकिन हमें तो उसकी बुलेट प्रूफ कार की ज़रूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। हमें मिशन और चालू मिशन में हमें गैरेज में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए हमें मैकेनिक को बुलाकर हमारी टॉरस मंगवानी पड़ेगी। फिलहाल तो हम ये वाली गाड़ी ले लेते हैं और फिर हमारी लंबोर्गिनी से दूर हम पहुंच जाएंगे। फिर हम एक बार अपनी कुर्मा मंगवा लेंगे, तो गाड़ी चुरा लेते हैं। ओके, हमारी लंबोर्गिनी कितनी मस्त लग रही है। ओके, तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग फिलहाल तो। ओके, कोई अच्छी जगह आ जाए तो हम यहाँ से अपनी बुलेट प्रूफ कार मंगवा ले मैकेनिक से कॉल करके। थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। ओके, तो ये जगह ठीक रहेगी, हम अपने मैकेनिक को कॉल कर लेते हैं। मैकेनिक, स्ट्रॉबेरी एव कुरुमा आर्मर्ड। ओके, तो मैकेनिक गाड़ी लेकर आ रहा है, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, तो हमारी गाड़ी आ चुकी है। बहुत दूर है तो हम गाड़ी में बैठ कर ही जाते हैं, मतलब इतनी दूर नहीं है, लेकिन इसने पता नहीं वहाँ पर क्यों पार्क किया, हाईवे पर भी कर सकता था। ओके, तो ये रही पार्किंग में दिख रही है, तो यहाँ से राइट लेते हैं, वापस से राइट, यू टर्न हुआ ये तो एक। ओके, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी कहीं पर पार्क कर देते हैं, मतलब चोरी की गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देते हैं इस ब्लैक कार के बाजू में। ओके, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने चोरी की गाड़ी यहाँ पर पार्क की है। ओके, तब हमारी गाड़ी लेकर हम निकलते हैं, हमें सीधा जाना है लॉस सैंटोस सिटी हॉल। हमें वहाँ पर क्या करने जाना है पता नहीं, और मैंने अपनी गाड़ी ठोक दी। ओके गाइस, तो यहाँ पर गाड़ी बहुत हमारी ठोक गई है, तो हम इसे भी चेंज कर लेते हैं। ओके, तो बाइक वाले को, अबे रुक, अरे निकल गया। इसको हमें गोली से उड़ाना पड़ेगा, तो हमें जल्दी से जाना पड़ेगा उसका पीछा करने के लिए। गाड़ी से एम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ओके, तो हमने इसको शूट कर लिया है सक्सेसफुली। अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। ओके, तो ये गया, तो यहाँ से निकल लेते हैं और फिर थोड़ा दूर जाके वापस से हमारी ये वाली गाड़ी का ऑर्डर कर देंगे, तो हमारी गाड़ी एकदम रिपेयर होके वापस हमें मिल जाएगी। ये गाड़ी में मिशन करने का बहुत ज़्यादा फायदा है, बुलेट्स हमारी लगती ही नहीं, हमारी हेल्थ भी कम नहीं होती। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से हम अपनी गाड़ी वापस से ऑर्डर कर देते हैं मैकेनिक को बोलकर, कॉन्टैक्ट्स मैकेनिक। स्ट्रॉबेरी एव कुरुमा। ओके, तो हमारी गाड़ी यहाँ पर सामने आ चुकी है, ये रिपेयर होकर आ चुकी है। इसमें बैठ जाते हैं और निकल लेते हैं वापस से लॉस सैंटोस सिटी हॉल की तरफ।
इस मिशन में टाइम लिमिट भी होती है, इसलिए हमें जल्दी ये मिशन ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये फेल हो जाएगा और हमें वापस से एक बार करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, बस 0.6 माइल्स दूर है यहाँ से लॉस सैंटोस सिटी हॉल। वहाँ पर जाके करना क्या है वो तो मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर जाके हमें लेस्टर ज़रूर बताएगा, या फिर इधर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ा ही दूर है, 0.4 माइल और जाना है हमें बस, यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पर लॉस सैंटोस सिटी हॉल आ चुका है, यहाँ पर जाकर क्या करना है वो तो पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। ओके, तो पीछे जाना है थोड़ा, रिवर्स ही कर लेते हैं। ओके, फाइंड एंड टेक आउट द करप्ट एजेंट टू रिकवर हिज एक्सेस कार्ड। करप्ट एजेंट, करप्ट है तो ये उसको मारना क्यों है हमें? ओके, तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, तीन लोग खड़े हैं, तीनों तीन एजेंट ना हो तो अच्छा, वो दोनों ग्रुप में खड़े हैं इसलिए शायद ये अकेला वाला ही होगा, यही है। ओ, ये गोली क्यों मार रहा है? ये ले, तुम दोनों भी लो, ये ले और ये ले। ओ, जिंदा है अभी, ये ले। ओके, तो वो वाला जो इसका एक्सेस कार्ड हमें ढूंढना है एजेंट का, ये ग्रीन मार्क पर जो है उसका, पुलिस ना आए तो अच्छा। ओके, तो इसका एक्सेस कार्ड हमें मिल चुका है, हमें यहाँ से फटाफट अपनी गाड़ी के पास भागना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस वाले हमारे अंदर गोलियां भर देंगे। ओके, तो यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा, और फिलहाल हमने एक भी बॉडी आर्मर नहीं पहना, तो तीन है, एक पहन लेता हूँ। ओके, और थोड़े स्नैक्स भी खा लेते हैं ताकि हमारी हेल्थ फुल हो जाए, ड्रिंक पी लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमारी हेल्थ फुल हो चुकी है। तो हमें पुलिस वालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, ये बिल्डिंग में छुप जाते हैं। ओके, तो पुलिस ऑलरेडी जा चुकी है, हमने इनके तीन एजेंट को मारा है और ये लोग, इन लोगों ने हमें छोड़ भी दिया। गो टू नूस हेडक्वार्टर्स। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं नूस हेडक्वार्टर्स, जहाँ की हमें आने के लिए बोला गया था, यहाँ से राइट लेना है। ओके, सिंगल रोड है, छोटा रोड है, इसलिए ओवरटेक करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, फिर भी हम कर लेते हैं। ओके, अरे इधर आके ठुकनी थी गाड़ी भी। ओके गाइस, तो यहाँ से लेफ्ट लेना है, गेट खोलो, खोल दिया, वाह, पहली बार खोला इन लोगों ने, बाकी कोई किसी भी जगह पर खोलता ही नहीं है गेट। ओके, तो यहाँ से भी हमें लेफ्ट लेना है, अरे यहाँ पर ही ठुक रही है इतनी ज़्यादा गाड़ी, खोलो भाई। ओके, खोल दिया है इधर भी, तो हमें कीपैड के पास जाना है, और इधर एक गार्ड है, दे जाने देंगे। ओके, तो गेट खुल रहा है, लोगों को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, और वैसे हमें भी नहीं पड़ेगा कि हम बुलेट प्रूफ कार में हैं, तो मुझे ज़्यादा गोलियाँ भी नहीं लगेगी। और ये यहाँ पर आ चुका है, वे तो गाड़ी से ही गेट कवर कर दे ताकि कोई भी पुलिस वाला आए तो हमें मार ना सके। ओके, यूज द सक्सेस कार्ड। ओके, तो हमें अभी अंदर जाना है। ओके, ओके गाइस, तो मैं फिलहाल अंदर तो आ चुका हूँ, और यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स हैं। Now,
कहाँ पर ढूंढना है इतने सारे, इतना बड़ा एरिया है, इसमें मैं कहाँ ढूंढूँ? नीचे चल के देखते हैं, कुछ तो होगा। व्यू गार्ड जितने सारे तो दिख रहे हैं, छुपते हैं यहाँ पर, कोई हो तो नहीं तो अच्छा। अरे ये गार्ड यहाँ पर नहीं, यहाँ से जा रहा है, उसके हाथ में गन भी है। यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो जैसे ही हमारी साइड देखेगा तो गोलीबारी शुरू कर देगा, और मुझे पहले से ही इतनी सारी गोलियाँ पहले से ही लगी हुई है। ओके देख लेते हैं कितने गार्ड्स हैं यहाँ पर, एरिया तो बहुत बड़ा है ये वाला। इतने सारे गार्ड्स, 12 गार्ड्स हैं यहाँ पर। अरे यहाँ पर ये येलो व्हाइट डॉट क्या है, यहाँ पर कुछ होगा, वहाँ पर जाने का ट्राई करते हैं आगे। इतना बड़ा एरिया, इसमें हम हैकिंग डिवाइस कहाँ पर ढूंढेंगे? ओके तो वो रखा, अरे अरे ये तो इसी साइड आ रहा है, हमारे अंदर तो नहीं आएगा ना, मतलब यहाँ। ओके तो वो पास हो गया यहाँ से, क्या करें, मार डाले सबको कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है यहाँ पर। अरे दिख यार, मार ही डालते हैं गन लेकर। वो 2 स्टार की पुलिस पीछे पड़ भी गई, वो जिंदा है अभी भी। और ले, ये वाला था सबसे पहले गया वो। ओ शिट, अरे जो सामने है उसको नहीं मार रहा ये। ओके ओके मार 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 मार, अरे कोई और है ही नहीं, है लेकिन छुप छुप के मार रहे है सारे। कहाँ पर है? अरे भाग 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 भाग, हेल्थ बहुत कम है, आर्मर पहनना पड़ेगा। ओके तो हमने एक आर्मर पहन लिया है मैंने, और अब वापस से नीचे जाते हैं मारने के लिए। अरे यार ये ठीक से एक तो दिख नहीं रहा है, और ये इसमें ऐसा कहाँ पर है? अरे वो रे, एक गया, ये दूसरा गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये जिंदा है, ये भी जिंदा है, मार डाला। वो बैकफ्लिप मार के गिरा एकदम, अरे बैकफ्लिप, हाँ वही। वापस से एक बॉडी आर्मर पहन लेते हैं हम लोग। अब एक लास्ट बचा है, ये गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ओके ये ले ये ले ये ले, ओ शिट, अरे यार बॉम्ब ले लेते हैं, यहाँ से डाल देंगे बॉम्ब। यहाँ से डाल सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं, कोई आ रहा है शायद, नहीं आ रहा, इधर से डाल देते हैं, ट्राई करते हैं हम, या फिर शीशा, नहीं शीशा नहीं है, फोड़ देते हैं। ओके फोड़ दिया, कोई ना कोई तो मरा ही होगा इससे, पता नहीं, कोई ऊपर आ रहा है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके ये गया भाई, ये ले, अरे मैंने अपने ऊपर ही बॉम्ब लगा दिया और फिर खुद ही फोड़ दिया। ओके तो इसमें शायद अनलिमिटेड लाइव्स है, इसलिए हमें, हम जितनी बार भी मरेंगे हमें जाने का मौका मिलेगा। यहाँ से कूद सकते हैं क्या? यहीं से कूद जाते हैं ऐसा हो तो, यहाँ से नहीं कूद नहीं पा रहे। ओके तो हमें भागना पड़ेगा नीचे की साइड, गन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। कोई नहीं हो तो अच्छा। ओके तो ये रहा एक, दूसरा ये रहा, तीसरा कहाँ पर है? तीसरा पीछे से मार रहा है कोई। अरे ये रहा एक, और एक लास्ट बचा है, वो कहाँ पर है कहाँ पर है? ओके ये रहा, ले भाई शांति मिल गई तुम सबको। ओके यहाँ पर कोई और तो नहीं बचा अभी, नहीं है शायद। अब हमें ढूंढना पड़ेगा उस हैकिंग डिवाइस को, कहाँ कहाँ ढूंढूँ लेकिन मैं इतने बड़े एरिया में।
मैप में भी कुछ दिखा नहीं रहे हैं। ओके तो यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर ये लाइट्स थी और कुछ नहीं था, मुझे लगा यहाँ पर कुछ होगा। इधर भी टेबल पे नहीं पड़ा हुआ। इतनी बड़ी फैसिलिटी में हम कहाँ पर ढूंढेंगे? ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा, इसके अंदर भी हो सकता है शायद। यहाँ पर भी नहीं है। अरे यार, कहीं तो होगा। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर जाते हैं। ये वाले टेबल पे चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर भी नहीं है। और कहाँ होगा? ये पैसे मिल रहे हैं कब के? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राइव मिल गई, लेकिन डिवाइस मिल गया, लेकिन कब का वापस से? ये देखो वापस से हमारा। अरे यार तू मिल जा, मुझे डर लग रहा है क्योंकि कभी भी पुलिस आ सकती है और पुलिस तो हमें मार ही डालेगी, फिर हमारा नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ से वो डिवाइस ले जाना। यहाँ पर अंदर कुछ, अरे यार यहाँ पर देखते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पर लाइट्स तो जल रही है, यहाँ पर भी नहीं है। अरे यार, ओके गाइस, तो मैंने यूट्यूब पे देखा और यहाँ पर मुझे पता चला कि लेस्टर ने एक ऐप भी दिया हुआ था मुझे, जिससे मैं उस डिवाइस को ढूंढ सकूँ। मुझे पता ही नहीं था, मैंने यूट्यूब पे देखा था, पता चला। तो यहाँ पर आगे सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या है। इधर मिल जाए तो अच्छा। ऐसी किसी टनल, ये कुछ टनल टाइप का है, उसके अंदर था। यहाँ पर नहीं है, इसमें होगा शायद। कुछ चमक रहा है वहाँ पर, यहाँ पर तो नहीं है। और ये लाइट है, बाद इसके नेक्स्ट वाले उसमें देखते हैं। राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। ओके तो ये रहा। ओके तो हमें बाहर निकलना होगा, नहीं तो पुलिस शायद इधर आ भी सकती है। अरे यार, एग्जिट कहाँ पर है? बहुत दूर है एग्जिट तो। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं सीढ़ियों के पास आ चुका हूँ और 4 स्टार की पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है। और यहाँ पर पुलिस वाले आए ना तो अच्छा, और बाहर तो कोई खड़ा भी ना हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, नहीं तो गाड़ी में बैठने से पहले ही वो लोग हमें मार डालेंगे। ओके तो यहाँ पर कोई है नहीं, निकलना पड़ेगा यहाँ से। ग्लोबल सिग्नल, वो शिट, 5 मिनट ही बाकी है। इतने टाइम में तो हम मार्केट पहुंच भी नहीं पाएंगे। अरे खोल। ओके खुल रहा है, मुझे लगा नहीं खोलेंगे ये लोग। पुलिस वाले हैं नीचे हाईवे पर तो हैं, यहाँ पर ना है तो बहुत अच्छा। वो शिट, 4 गाड़ियाँ और 2 हेलीकॉप्टर। अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया पूरी तरफ से। ओ यस, भागना पड़ेगा यहाँ से। अरे यार ये गाड़ी, कोई बात नहीं भाग लेते हैं यहाँ से। ओ शिट, 5-6-7 गाड़ियाँ हमारे पीछे हैं और एक सामने से आ रही है और 2 हेलीकॉप्टर्स है। अरे यार यहाँ पर ये रही गाड़ी, ये ले तू अपनी जगह पे खड़ा रहे। ओके तो आगे भी एक पुलिस है, हमें फटाफट भागना पड़ेगा यहाँ से। पहाड़ पे चढ़ जाएंगे तो शायद वो लोग हमें नहीं पकड़ेंगे। अरे यार लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स है, हेलीकॉप्टर से पीछा कैसे छुड़ाएं? किसी चीज़ के नीचे छुपेंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, और ऐसे खुले में रहेंगे तो हेलीकॉप्टर वाले छोड़ेंगे ही नहीं। और वैसे भी 3 मिनट और 40 सेकेंड ही रह गए, इतने देर में तो हम मार्केट भी नहीं पहुँच पाएंगे। क्या करूँ, भागना ही पड़ेगा। एक तो पहाड़ पे गाड़ी इतनी स्लो चल रही है। ओश, बच गए। अरे यार इनको हम होमिंग लॉन्चर से मारने की कोशिश करते हैं। ये रहा, कहाँ पर है? ओके ये रहा। अरे यार मिस हो गया।
ओके, ये गया एक, ये गया दूसरा। ओके, ओ एक तीसरा भी है, वापस उतरना पड़ेगा। यार कितने हैं। ओके, तो ये भी गया। फटाफट इधर ही खड़े रहते हैं अगर। अरे यार, ये चौथा हेलीकॉप्टर भी आ गया। वेट करते हैं शायद। अरे यार, इसने भी फायरिंग चालू कर दी, इसने भी देख लिया। 2 मिनट, 2.5 मिनट बाकी है, इतनी देर में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अरे यार, ये पेड़। हाँ, हम लेस्टर को फोन करते हैं और देख सकते हैं, देखते हैं कि वो हमारी मदद करेगा कि नहीं। लेस्टर, अरे रिमूव वांटेड लेवल बंद है, हमें छुड़ाना पड़ेगा। ब्रेन ही चल ही नहीं रहा है भाई हमारा। ओके, तो हमारे ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, इसे फोड़ देंगे तो दूसरा आएगा, उसे फोड़ देंगे तो तीसरा आ जाएगा। ऐसे 10-15 आते ही रहेंगे और सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। पौने 2 मिनट, यहाँ पर कहीं पर पीछे जगह मिल जाए तो वहाँ पर छुपना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर साला पीछा कर रहा है, ये इसके नीचे छुप जाते हैं, इसके नीचे शायद ना देख पाए। स्टार ब्लिंक भी नहीं हो रहा कि ये छूट जाए। पुलिस वाले तो बेवकूफ़ी ये ढूंढते ही रहेंगे हमें, तो हमें निकलना पड़ेगा फटाफट यहाँ से। भाग 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 भाग, 1 मिनट बचा है, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो गाइस, यहाँ तो पुलिस वालों ने भी रास्ता ब्लॉक करके रखा और अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नया GTA 5 का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं मेरे अगले यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।